आज ही दिन 1887 में भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रहण नारायण सिंह का जन्म हुआ था। इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के विकास में अनुग्रहण नारायण का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने बिहार का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री के रूप में 11 वर्षों तक बिहार की सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रहण नारायण ने बिहार केंद्रीय श्रम परामर्श समिति के जरिए श्रम प्रशासन तथा श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम और प्रावधान बनाए वो आज पूरे देश के लिए मापदंड के रूप में काम करते हैं। महात्मा गांधी के साथ मिलकर अनुग्रहण ने अंग्रेजों के विरुद्ध चंपारण से अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 1946 में आज ही के दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। गोवा की आजादी की इस लड़ाई को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। डॉक्टर लोहिया ने गोवा के लोगों के एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया था। गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाने में कई साल और लग गए और लंबा आंदोलन चला। भारतीय सेना ने गोवा पर राज कर रहे पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और आखिरकार तत्कालीन पुर्तगाल गवर्नर जनरल ने हथियार डाल दिए और वर्ष 1961 को गोवा वापस भारत के कब्जे में आ गया। आज के दिन 1979 में वियना में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिद ब्रेजनेव के बीच पहली बार हथियारों की तादाद के ऊपर नियंत्रण करने को लेकर समझौता हुआ था। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के तहत दोनों मुल्कों ने यह तय किया कि दोनों महाशक्तियां अपने मिसाइल लॉन्चरों की तादाद को 2400 की संख्या तक सीमित करेंगे। इसके तहत दोनों ने जमीन से मार कर सकने वाली नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बंद कर दी। साथ ही ये तय भी हुआ कि पनडुब्बियों को नई मिसाइलों से नहीं लैस किया जाएगा। इस समझौते के अनुमोदन से पहले ही अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। जनवरी में राष्ट्रपति कार्टर ने खुद अमेरिकी संसद से समझौते पर विचार विमर्श न करने का आग्रह किया क्योंकि सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में पहुंच चुकी थीं। हालांकि ये समझौता अमेरिकी संसद से अनुमोदित नहीं हुआ, पर कार्टर ने ये जरूर कहा कि अगर सोवियत संघ अपने वादे को पूरा करता है तो अमेरिका भी अपना वादा निभाएगा। आज एक दिन 2002 में मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो का निधन हुआ था। भारतीय सिने जगत में अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री को अपनी खूबसूरती के लिए ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। 1935 में नसीम ने बतौर अभिनेत्री फिल्म खून का खून से अपने करियर की शुरुआत की थी। पुकार, मीठा जहर, बेगम, शीश महल, उजाला इनकी नायाब फिल्में हैं। इन्होंने फिल्मकार महबूब खान की कई फिल्मों में भी अभिनय किया। इसके बाद अपनी बेटी सायरा बानो का दौर शुरू हो जाने से इन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा से अलग कर लिया। यह संयोग ही है कि सायरा उनसे भी ज्यादा मशहूर अभिनेत्री साबित हुई। और आज एक दिन 2009 में संगीतकार और सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां का निधन हुआ था। संगीत का प्रशिक्षण अली अकबर ने अपने पिता उस्ताद अलाउद्दीन खां से लिया था। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम दिया था। अली अकबर जोधपुर के महाराजा के दरबारी संगीतकार भी थे। 1955 में इन्हें न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में सरोद वादन का निमंत्रण मिला। इसके बाद इन्होंने पश्चिम में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिनमें वो ज्यादातर कार्यक्रम अपने बहनोई संगीतकार और सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी में करते थे। 1956 में इन्होंने कोलकाता में अली अकबर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक उसके 2 वर्ष बाद बर्कले कैलिफोर्निया में इसी नाम से एक और विद्यालय की नींव रखी गई। 1968 में ये विद्यालय अपने वर्तमान स्थान सान राफेल कैलिफोर्निया में आ गया था। 1971 में अली अकबर को पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया।